subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Hi Sonu, can you hear me? Yes, I can hear you. Hi, how are you? Very well. Good afternoon. How are you doing? Fine. What about you? Very well. Thank you. Sorry, yeah, yesterday something had come up and I got locked out of the house. So sorry for yesterday. It's okay. So, सबसे पहले तो वेलकम आपका पॉप बॉलीवुड में एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. मेरा इस बार का बिग बॉस आपको कैसा लग रहा है? अब शायद पिछले एक आध एपिसोड से थोड़ा मजा आना शुरू हुआ है. मुझे लग रहा था इस बार में सब लोग जैसे होता है ना कि इतना ज्यादा बिग बॉस घोट के पी के अपने रगों में हर तरीके से मिलाकर आए कि नोबडी इज बीइंग देमसेल्फ. हर इंसान एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है. बट मेरी फेवरेट पवित्रा पुनिया है. आई रियली लाइक हर. मुझे निकी तंबोली बहुत पसंद है इस सीजन में. तो अब वो थोड़ा सा कंटेंट मिल रहा है. पीपल आर टेकिंग द स्टैंड फॉर देमसेल्फ. अदरवाइज हर इंसान इतना अपने आप को डिप्लोमेटिकली करेक्ट कर रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि वो एक एक पर्टिकुलर जिस तरीके से बिग बॉस के फॉर्मेट को इतने सारे सीजन को फॉलो करके आया है तो उसी हिसाब से अपने को ढाले. बट आई थिंक बिग बॉस में आपको कोई पैटर्न नहीं फॉलो करना होता. आप जो है उसको आपको अपने जो आपका असली रूप है उसको बाहर दुनिया के सामने लाना होता है. एंड दैट इज हाउ यू प्ले द गेम एंड दैट इज हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ. विवेक अपना जो फोन है थोड़ा सा स्टैंडिंग में रख देंगे क्या, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट आ रहा है आपका जो लुक है. लाइक दिस नहीं ऐसे लाइक ये उल्टा. हाँ नहीं 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 सादा हो गया. अपने फोन को ना क्या दिस इज इट बेटर नाउ? ना 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 आपकी का फेस ही पूरा ये हो गया है. ठीक है यही करते हैं. इसलिए आपको फोन को खाली इस वे में रखना है ऐसे. ओके सो आई दिस इज एन आईफोन सो प्रोबब्ली आई डोंट नो इज इट बेटर. नहीं नहीं वापस कर दीजिए क्योंकि आपका पूरा जो फेस है वही टेढ़ा हो गया. बेटर नाउ. तो विवेक आपने जैसे कहा कि आपकी जो फेवरेट है वो पवित्रा पुनिया है, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे कि उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको घर में सबसे ज्यादा पसंद आई है? मुझे लगता है पवित्रा डिप्लोमेटिक नहीं है. पवित्रा को जिसको भी जो बातें बोलनी होती है वो मुंह पर बोलती है और वो उनको कोई बात अगर नापसंद होती है तो वो दूसरों से जाके नहीं कहती है. जिस इंसान से उनको नापसंद होती है वो उसी से जाके कहती है और उसके लिए वो उस मुद्दे को या उस बात के लिए वो स्टैंड भी लेती हैं. और मैं पवित्रा को बाहर से भी जानता हूँ तो कहीं ना मैं बहुत कंटेस्टेंट को बाहर से जानता हूँ लेकिन पवित्रा कहीं ना कहीं जो पवित्रा की पर्सनालिटी है वो शी कॉल्स स्पेड अ स्पेड. कल को उनको एजाज की भी कोई बात अगर नहीं पसंद आएगी, आज उनमें और एजाज में दोस्ती है नजदीकियां हैं, तो वो एजाज के मुंह पर भी जाकर कहेंगी और ऐसा शायद पास में हुआ भी है. तो यू रिक्वायर बॉल्स, यू रिक्वायर गट to be you know like calling a spade a spade. जैसे आपने कहा कि पवित्रा पुनिया एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. कल हमने देखा कि कविता कौशिक किस तरीके से पवित्रा को भड़काने की कोशिश कर रही थी पर उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मुझे लगता है कविता थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ दिख रही है जो कि वो एजाज को कह रही है. बट उनके बर्ताव से लग रहा है कि वो अपना अपने आप अपने मानसिक संतुलन को खो देती हैं. जिस तरीके से एक बहुत छोटी सी बात थी कि एजाज किसी से बात कर रहे थे और उन्होंने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया था और वो देर रात तक भड़कती रही, गालियां निकालती रही, इट ओनली शोज या तो उनको शराब की लत है या कुछ ऐसी चीजों की लत है जो उनको मिल नहीं पा रही और जो उनके बिहेवियर में दिख रहा है. सेकेंड थिंग आई डोंट नो या मैंने जो उन्होंने कुछ बातें बोली बहुत गलत बोली. उन्होंने भी एजाज के लिए एक बर्थडे विश डाली थी, एजाज के लिए फोटो डाली थी, फिर ये कहना कि मैं तो उसको बिल्कुल नहीं जानती हूँ, एक बार मिली हूँ, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है और ये चीजें निकल कर बाहर आएंगी. और इस तरीके से किसी को इमोशनली और किसी की रिस्पेक्ट को शैम करना वो भी बिल्कुल गलत है. आपको क्यों तकलीफ है अगर दो लोग करीब आ रहे हैं? जैसे आपने कहा कि अपने जी टॉपिक उठाया है मेंटल इशू का, रिम्पी नम ने भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट किया है कि मैंने कहा था ना कि एजाज को मेंटल इशू प्रॉब्लम है, तो इस प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से मेंटल इशू का
टॉपिक उठाना वो भी एक किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कितना आपके हिसाब से सही है और गलत है? देखिए आज के दौर में आई थिंक हम सभी इंसान को हम कितनी भी कोशिश करें कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो किसी चीज का फियर हो, चाहे वो माइल्ड डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, उसको इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर किसी को एक मुद्दा बनाना और किसी के अंदर वो क्वालिटी दिखाना, उसको नीचा दिखाने के लिए सरासर गलत है। अगर आपको कहीं किसी के व्यक्तित्व में या किसी के व्यवहार से ऐसा पता भी चलता है कि किसी इंसान को ये दिक्कतें हैं, तो आप उसके साथ सहानुभूति रखिए, उसको हेल्प करिए, ना कि उसके अंदर को उसके अंदर की वो चीज को एक कमी बना के बाहर निकालिए, उसको उसका मोरल डाउन करने के लिए, उसको लुक डाउन करने के लिए। रुबीना ने ये चीज बिल्कुल गलत करी है, आई डू नॉट अप्रिशिएट दैट। और ये एक बार नहीं है, इससे पहले भी अगर आप देखें जब गौहर और हिना खान ने एग्जिट करा था और वो जा रही थी, निकी तंबोली रो रही थी, तो निकी तंबोली ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनके पांव छुए थे, जिसके बाद अभिनव ने इस बात का मजाक बनाया था और रुबीना ने भी उनके साथ ठहाके लगाए थे और उसको इमिटेट किया था हैंड जेस्चर के द्वारा। What I want to say, कि हर धर्म में लोगों को रिस्पेक्ट पे करने का अलग अलग तरीका होता है। शायद क्रिश्चियनिटी में होता है हाथ चूमना, मुसलमानों में आदाब दुआ सलाम करना, हमारे हिंदुओं में क्या होता है पांव छूना। सो अगर उसने आउट ऑफ रिस्पेक्ट पांव छुआ, अभिनव मजाक बना रहे थे, अभिनव खुद एक ब्राह्मण खानदान के, अभिनव शुक्ला उनका नाम है, रुबीना उनकी धर्म पत्नी खुद एक हिंदू खानदान की है, रुबीना दिलक, वो भी अपने बड़ों का ससुराल में अपने माँ बाप का पांव छूती होंगी, तो उस एक्ट को नेशनल टीवी के सामने भी मजाक बनाना सरासर गलत था। वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक घटिया सोच, एक जिस तरीके के मानसिक दायरे में वो रहती है, जिस सोच के दायरे में वो रहती है, उसका प्रदर्शन किया। उनके ऐसा कहने से निक्की की इज्जत या निक्की की पर्सनालिटी में कोई कमी नहीं हुई। हाउएवर जो बेहतरीन अदाकारी से जिन्होंने अपने उन्होंने जो फैंस बनाए थे, जो फैंस उनको पसंद करते थे, उन फैंस को उन्होंने अपना असली अस्तित्व दिखा दिया। आपने गौहर का नाम लिया है तो गौहर भी घर के अंदर थी और आपके सीजन में आपकी और गौहर की कभी इतनी बनी नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का इस सीजन में उनका गेम लगा आपको, एंड क्या कहना चाहेंगे अब जो चीजें हुई थी आपके सीजन में, आपका जो गौहर का फाइट हुआ था, जो भी चीजें, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गौहर और मैं कभी दोस्त ना थे ना कभी दुश्मन, मैं उनको कहूंगा क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं वाक्पटुता के साथ साथ जो भी कहता हूँ वो स्पष्ट कहता हूँ, मैं शुगर कोटेड नहीं कहता हूँ कभी भी कुछ भी। मेरे और गौहर के बीच जो मतभेदों का ओपिनियन शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ, हमारा कोई टास्क चल रहा था और उस समय गौहर और खुशहाल का कुची कु बिग बॉस के अंदर शुरू हो चुका था, तो हम सारे वॉशरूम एरिया में थे और गौहर ने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक है, वो बाहर उस दिन शायद वो था वो एक जो बकरीद होती है, जब मेरी एंट्री हुई है उसके नेक्स्ट डे बकरीद थी या उसी रात बकरीद थी, तो शीर कौरमा और खाना वाना बाहर से आया हुआ था, तो गौर ने कहा मैंने बाहर का खा लिया, मुझे प्यूकिश फील हो रहा है, तो वो टॉयलेट के अंदर गई बाकायदा कमोड में प्रॉप करने के लिए, और वो अपने साथ साथ खुशहाल को भी लेके गई। आप भी लड़की हैं, आप कितनी भी उल्टियां कर लें, अगर आपने लिपस्टिक लगाया तो वो लिपस्टिक नहीं धुल जाएगी, थोड़ा हल्की पड़ जाएगी, और जब वो खुशहाल के साथ बाहर लौटी तो वो थोड़े थोड़े लिपस्टिक के जो स्टेन्स थे खुशहाल के यहाँ लगे थे, जो कि यू नो आई टोल्ड हर एंड आई टोल्ड इट टू एवरीबॉडी कि ऐसी कौन सी वॉमिट हो गई कि वो वॉमिट हवा के रूप में हुई कि वो खुशहाल के मुंह पे जाके चिपक गई और खुशहाल को लिपस्टिक लग गया। तो एनीवे इसके बाद इससे काफी मेरे और गौहर के बीच कई बार नोकझोंक हुई और हमने कई बार सारी चीजें कहीं। रही गौहर की पर्सनालिटी की बात, तो गौहर की वही पर्सनालिटी है, शी बिहेव्स लाइक एन आंटी, वो मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी है एंड अब तो शायद देखने भी लग गई है, कितना भी बोटॉक्स एंड फिलर्स मुझे लग रहा है उनके दिमाग और दिल में ही चला गया है। वो कभी फेयर गेम नहीं खेलती हैं, वो लोगों को यूज करती हैं और सिर्फ अपनी बात को आगे रखती हैं, और कहीं ना कहीं ये अब बहुत ही ओमनी प्रेजेंट हो चुका है उनके कैरेक्टर। बात करते हैं अगर कपल्स की बात हो रही है तो निकी तंबोली और जान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग भी एक हमेशा एक कपल की तौर पे तो नहीं कहूंगी पर उनकी फ्रेंडशिप भी कुछ ऐसी ही है, उतार चढ़ाव से हमेशा, कभी कोई जान कभी डिच कर देते तो कभी निकी, लेकिन एंड ऑफ द डे साथ में मिल जाते दिन, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी उनको एज अ कपल तो नहीं देखता हूँ, बट जरूर मुझे ये एक चीज लगती है कि दोनों के बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप है जिसमें कहीं ना कहीं निकी के अंदर मैच्योरिटी लेवल है, जान बहुत बचकानी हरकत कर जाता है,
बहुत बार वो पलट जाता है, वो अपना स्टैंड नहीं लेता है, वो एक शायद खाली कप की तरह कि उसके अंदर आप शराब डालो तो वो शराब जैसा बिहेव करेगा, उसके अंदर पानी ठंडा डालो तो वो काम हो जाएगा, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉफी डालो तो वो तेजित हो जाएगा. सो जान इज लाइक दैट, ही गेट्स मैनिपुलेटेड एंड ट्विस्टेड वेरी इजली. बट निकी इज अ वेरी मैच्योर गर्ल. मैं राहुल वैद्य को शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन पिछले 3-4 हफ्तों से मुझे कहीं ना कहीं राहुल वैद्य के भी जो एक्शंस हैं, जो पर्सनालिटी है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं सच्चाई के साथ, जो यू नो जो निखर के आ रही है, जैसे उन्हें नेपोटिज्म का कमेंट दिया जो कि किसी हद तक मैं सही भी मानता हूँ, लेकिन उसके बाद जब उनको लगा कि भावनाएं आहत हुई है, उनको ये चीजें नहीं मालूम थी कि जान के पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे, उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी, विच इज वेरी गुड. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ही इज अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन. बात करते हैं जैस्मिन की, क्योंकि जैस्मिन ने ही इतना बड़ा मुद्दा उठा लिया है राहुल को लेके कि उन्होंने जाके राहुल पे पानी फेंका, फिर कई सारे रोई भी है एक ऐसे टॉपिक पे कि इसने राहुल ने उनको ऐसा क्यों बोला कि उनको लग जाएगी करके, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जैस्मिन जो है उनका वो रोती भी है, कभी वो हाइपर भी हो जाती है, तो उनके बारे में आपका क्या थॉट है? जैस्मिन बहुत बेहतरीन बता रहा है, और शायद उन्होंने नागिन सीरियल भी करा है, तो कुछ कुछ नागिन वाली क्वालिटीज उनके अंदर आ चुकी हैं जैस्मिन वसीम के अंदर. इसको मैं नेगेटिव तौर पे नहीं कह रहा हूँ, एक पर्सनालिटी के तौर पर बोल रहा हूँ, इच्छाधारी नागिन टाइप खुद कि जब जिससे इंतकाम लेना हो तो आप यू नो अपनी जबान फुस 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 करके बाहर कर दो और वो सारा जहर बाहर निकल आए, जब अच्छे बनना हो तो एक छोटी सी यू नो कॉलेज गर्ल बन जाओ और लोगों के साथ यू नो इंटरेक्ट करो. आई थिंक ये टास्क और टास्क में कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, वो तो नॉर्मली अगर आप कबड्डी खो खो भी खेलो तो जीतने के लिए आप चीजें करते हो. हमारे टाइम में इससे भी गंदी गंदी चीजें हुई थी, हम लोगों के ऊपर सिगरेट की ऐश, जमीन की धूल, लाइजॉल हमारे बालों में कुशाल ने डाला था और प्रत्युषा थी उसने डाला था, वो मेरी ऑपोजिट टीम में थी, यहाँ तक कि हेयर रिमूविंग क्रीम तक डाली गई थी हमारे डब्बे के अंदर कि हम उठ जाएं. सो ये कुछ भी नहीं था, हर जगह बल का प्रयोग होता है, गालियों का प्रयोग होता है, और उसने एक चीज ये बोली कि हट जा लग जाएगी, तेरे को चोट लग जाएगी. आप भी जब कहीं किसी टास्क में होते हो अगले को बोलते ए हट जा वरना तेरे को लग जाएगा, उस बात को इतना बड़ा विमेन कार्ड प्ले करना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये दर्शाता है कि आप अंदर से कितने बड़े छलिया हैं, आप अंदर से कितने बड़े इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे हैं कि आप टास्क नहीं जीत पाए तो आपने चीजें कैसे पुश करा. लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि भारत की जनता आपको देख रही है. अगर आपके अंदर यही बात होती तो जब कोई और लड़की भी खेल रही होती टास्क में तो आप उसके लिए वही स्टैंड लेते. आपके लिए वो गेम्स या आपके लिए वो मॉरल के एटीट्यूड डिफरेंट नहीं होते. तो जैस्मिन वसीम ने भी कहीं ना कहीं बहुत बचकानी हरकत करी है और उस मुद्दे को बाहर लेके गई, जिसने किसी भी इंसान के पेरेंट्स तक को भी एक इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर लिया ये बात उसकी अपब्रिंगिंग को बोल के. तो मुझे लगता कहीं ना कहीं जैस्मिन की अपब्रिंगिंग का. निशांत सिंह मरकानी की बात करते हैं तो उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि कल ही हमने देखा था कि कल के एपिसोड में किस तरीके से उनकी और जान की मतभेद हो गई थी, फाइटिंग हो गई थी, तो आपको किस तरीके का उनका गेम लग रहा है? मुझे लगता नहीं निशांत इस शो के लिए बने हैं, वो जो भी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे डेली शो में ही इज मेंट फॉर दैट ओनली. बिग बॉस में आपको दिमाग चाहिए होता है, मसल्स नहीं चाहिए होती हैं. जब उनको कुछ भी नहीं मिलता निशांत और क्या, आपको कभी एंटरटेन करते दिखे, कुछ गाना गाते, कुछ एक्ट करते, कुछ कॉमेडी करते, नहीं, वो सिर्फ दूसरों के मुद्दे में अपने आप को इन्वॉल्व करके लड़ाई करते हुए दिखे या अपनी नाराजगी दिखाते हुए. सो आई डोंट थिंक सो ही इज प्रोवाइडिंग द कंटेंट. उनको बिल्कुल गेम का ABC समझ में नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस हफ्ते अगर कोई इलेक्शन होगा तो वो निशांत सिंह मल्कानी का. शार्दुल और नैना सिंह की बात करते हैं, हालांकि वो लोग अभी आए हैं, लेकिन जिस तरीके से शार्दुल का जो मतलब हर जगह पे आपने देखा होगा कि कभी जैस्मिन का कभी साइड लेते बिना कुछ सच्चाई जाने, या फिर किस तरीके की उनकी गेम लग रही है, क्योंकि उनका तो कोई ऐसा मुद्दा हमने देखा नहीं है घर में, तो उनकी बात करते तो किस तरीके से शार्दुल को गेम खेलना नहीं आता है, शार्दुल को भी गेम खेलना नहीं आता है, और ना ही शार्दुल कोई एक क्रिएटिव या कंटेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं शो में, ना ही वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं. वो एक उन्होंने अपने आप को एक मंदिर में टंगा हुआ घंटा जैसा प्रस्तुत कर दिया है कि जो कोई भी आए कहीं भी आए तो वो बज जाए, और नहीं तो हवा चले तो यूं 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 करके वो घंटा बज जाए. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज ही डूइंग, ही इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू. नैना कहीं ना कहीं संचालक के रूप में जो उनको सही लगा उन्होंने परफॉर्म किया,
टीवी के फुटेज के लिए चाहे वो रोई, उनको लगा कि लोग उनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे कि वो एक बेहतरीन संचालक नहीं थी और उन्होंने एक फेयर फैसला, एक फेयर डिसीजन नहीं लिया, तो नैना ने वैल्यू ऐड करी, कविता कौशिक ने वैल्यू ऐड करी, चाहे वो मैं उन चीजों से सहमत ना हूं या आधी जनता उनसे सहमत ना हो, लेकिन शार्दुल आई थिंक ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। आई थिंक इस हफ्ते निशांत मलकानी को निकलना चाहिए, अगले हफ्ते शार्दुल डजंट डू एनीथिंग ही शुड बी एविक्टेड। आपने देखा है पूरा गेम, तो आपके हिसाब से अब तक ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो खुलकर सामने नहीं आ रहा है और वो पीछे खेल रहा है अपनी गेम जो रियल है? अभिनव शुक्ला, अभिनव शुक्ला, अभिनव शुक्ला, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज अभिनव शुक्ला को आप पिछले एक दिन दो दिन से बोलते दिख रहे हो, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि भैया आप ये पति पत्नी वो जैसा कपल शो करने नहीं आए हो, नच बलिए जैसा कपल शो करने नहीं आए हो, बिग बॉस में अगर आप अपनी पत्नी के साथ भी आए हो, सो इट इज नॉट यू गाइज आर एज अ कपल, यू गाइज आर एन इंडिविजुअल कंटेस्टेंट, तो आपकी तरफ से आपकी पत्नी नहीं बोल सकती, आपको तो आपकी पत्नी खैर बोलने देती ही नहीं है, तो शायद जो उनके घर में स्थिति थी कि रुबीना ही सब कुछ करती थी, वो एक हाउस होल्ड हस्बैंड थे, वो मुंह बंद करके चुपचाप बैठ के आटा गूंथते होंगे या फिर पेचकस लेके बाइक के टायर बदलते होंगे, तो उनका यही रोल लग रहा है, उनको खुल के आना चाहिए, उनको जो उनको सही लगे, पत्नी की आंखों से नहीं उनको दुनिया देखनी चाहिए या बिग बॉस का शो देखना चाहिए, जो उनको सही लगे उनको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, जो उनको गलत लगे वहां पे उनको उसके लिए लड़ना चाहिए, बट ही इज नॉट डूइंग इट। आपके हिसाब से ऐसे कौन से 5 कंटेस्टेंट हैं जो आपको लगता है जो टॉप 5 में डिजर्व करते हैं इस वक्त का गेम देखकर? पवित्रा, ऑफ कोर्स एजाज, रुबीना इज प्लेइंग वेरी वेल दिमाग से डिप्लोमेटिकली, निकी एंड कहीं ना कहीं राहुल वैद्य। राहुल वैद्य की बात, जैसे आपने कहा उनकी बात करते हैं, तो राहुल वैद्य का जो अलग, जब वो घर में गए थे तब एक अलग ही तो थोड़ा शांत रहते थे, पर अब अचानक से उनको जिस तरीके से बहुत सारे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, चाहे वो कोई भी घर में कुछ भी कहे बट एंड ऑफ द डे कई सारी बाहर से भी सपोर्ट मिल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो उन एक स्टार्ट में वो आए थे तो एकदम ज़्यादा ही ठंडा थे, फिर अचानक से वो इतना उभर कर आ गए हैं सामने। देखिए उसके दो कारण हैं, अगर आप देखिए तो राहुल तब से किसी ने कभी दोस्ती नहीं रखी, क्योंकि लोगों को एक अंदर से ये भी फियर था कि राहुल एक इतना बड़ा रियलिटी शो जीत का विजेता है और इतने दिनों से काम कर रहे हैं और उन्होंने एक एक स्टैंडिंग अपनी बनाई हुई है, तो उनको रियलिटी शोज का, चाहे वो एक सिंगिंग बेस्ड हो रहा हो, बट उनको कहीं ना कहीं आइडिया है और उनको जनता ने इतना प्यार दिया है कि उनको विनर बनाया है, तो बहुत से लोग इंटिमिडेटेड थे, बहुत लोग राहुल के अस्तित्व से डरे थे और डरे हुए हैं, मुझे लगता है उसका कारण बस यही होगा, राहुल की फैन फॉलोइंग, चाहे उन्होंने 3-4 सीरियल एज अ लीड कर रखे हो, बट वो सीरियल की बात अलग है और जनता के नेतृत्व से विनर बनने की बात अलग है, ये शो भी वैसा ही है बिग बॉस का फॉर्मेट, तो सब ने राहुल को एक ग्रुप बना के किनारे कर दिया था, कोई भी राहुल का दोस्त नहीं था, कोई भी इंटरेक्ट नहीं करता था, ऐसे में राहुल के पास कोई चारा नहीं था एक स्टैंड लेने के लिए, और राहुल ने जिन सच्चाइयों के साथ स्टैंड लिया, जहां पे वो गलत थे या जहां पे उन्होंने आक्रोश में कुछ बातें कही, उसके बाद जब वो ठंडे दिमाग में उनको लगा कि नहीं शायद मैं गलत था, मैंने किसी की भावनाओं को आहत किया है, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी, इसलिए जनता उनको वाकई बहुत पसंद कर रही है और उनको इसी तरीके से रहना चाहिए, कंपोज्ड होकर खेलना चाहिए। बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे सब बाहर आ गए रेड जोन से और जो ग्रीन जोन के थे सब चले गए रेड जोन में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये हिस्ट्री क्रिएट हो गया अगर देखने जाएंगे तो, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक कंटेस्टेंट जो सेव हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि चारों बाहर हैं, बाकी के जो चारों ग्रीन जोन के थे वो सब अंदर रेड जोन में। इसीलिए तो बिग बॉस एक पायनियर रियलिटी शो है और हम आप देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हमको उम्मीद भी नहीं होती है कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे और वो हमको बांध के रखेंगे, सो जो भी क्रिएटिव इनपुट दे रहा है, जो भी उनके क्रिएटिव डायरेक्टर्स है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे गेम बदला, जो लोग अपने आप को बहुत सहज महसूस कर रहे थे, हाँ मैं सुरक्षित हूँ, अरे ये निकलने वाला है, ये निकलने वाला है, तो बिग बॉस ने भी याद दिला दिया तुम लोग अपने को बिग बॉस मत समझो, मैं बिग बॉस हूँ, मैं यूं टेबल्स टर्न करता हूँ, और वो टेबल टर्न हो गई और एजाज ने बहुत ही फेयरली उसको कंडक्ट करा, हैट्स ऑफ टू दैट कैप्टेंसी, एंड लेट्स सी आज क्या होता है। विवेक, आपके बारे में बात करते हैं, बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद में किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज हुई है? um,
मैं ऑलरेडी काम करता था, मैंने सीरियल्स वगैरह और एपिसोड काफी कर रखे थे बिग बॉस करने से पहले, लेकिन वो जो पॉपुलैरिटी आपको बिग बॉस जैसा रियलिटी शो देता है कि आपने कितना भी काम कर रखा हो, लेकिन वो आपको इंस्टेंट विजिबिलिटी, एक इंस्टेंट रिकॉग्निशन देता है। तो जब मैंने बिग बॉस किया था 2013 में सीजन 7, तो क्या होता था कि आप एयरपोर्ट से भी बाहर निकलो या फ्लाइट के अंदर हो, केबिन क्रू आ जाता था सेल्फी लेने एंड ऑल दैट, व्हिच इज अगेन वेरी टेम्परेरी, क्योंकि हर साल नए कंटेस्टेंट आते हैं एंड यू हैव टू कीप ऑन डूइंग समथिंग और दी अदर। तो मेरे जीवन में भी मुझे ना इसने बहुत पॉपुलैरिटी मिली बिग बॉस से, काम भी बहुत मिले, बट देन मेरी एक सोच है जिस पद्धति को मैं फॉलो करता हूँ, मैं क्वालिटी चूज करता हूँ, क्वांटिटी कभी नहीं चूज करता हूँ। मैं 5 साल में एक प्रोजेक्ट करूंगा विच इज मोर मीनिंगफुल रादर देन डूइंग 3 projects or 4 projects इन 2 years एंड बीइंग ओवरसीन ऑन टीवी, दैट ऑल्सो रिड्यूसेस योर वैल्यू। बट यस, बिग बॉस स्पेशली लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। विवेक, आपके सीजन में ऐसे कोई है कंटेस्टिंग जिसके साथ में आज भी आप कनेक्टेड हो, जिसके साथ में आज भी आपकी बातें होती हैं? हाँ बिल्कुल, एक असीम आए थे, आसिफ अजीम बांग्लादेश के मॉडल थे, प्लस संग्राम से मेरी काफी अच्छी बात हो जाती है, मेरी काम्या से हाय हेलो हो जाती है, प्रत्यूषा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, प्रत्यूषा नहीं रही, एक और कंटेस्टेंट गई थी जिनसे मैं मुखातिब नहीं हो पाया था, उस समय मेरी उनसे लड़ाई होती थी, आजकल मुलाकात और बातें भी हो जाती हैं कैंडी बरार। सो यू नो व्हाट यू सी, आप शो से बाहर आते हो, थोड़ा सा मैच्योर होते हो टाइम के साथ, देन आप देखते हो चीजें, फुटेज देखते हो, एपिसोड्स देखते हो, आप हंसते हो, आप सोचते हो अरे ऐसा कैसे हो गया, बट हाँ मैं किसी से भी मेरी दोस्तियां वापस हो सकती हैं एक्सेप्ट बहुत हार। विवेक, आपके जो फैंस हैं आपको देखना चाहते हैं कि आप एज अ गेस्ट बिग बॉस के घर में जाए, तो कभी ऐसा कुछ प्लान है या फिर कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जो आप स्पेशल गेस्ट के तौर पे हमें दिखाई देंगे घर में? नॉट एग्जैक्टली, बट मुझे ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने कुछ पुराने कंटेस्टेंट को बुला रहे हैं एक एक दिन के लिए, सो दैट यू नो पीपल शुड कम एंड गो एंड प्रोबेबली ट्रिगर देम और बेहतर करो। तो फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया है, बट हाँ मजा तब आएगा कि एक सीजन बिग बॉस का ऐसा बने जिसमें वो कुछ चुनिंदा एक्स कंटेस्टेंट को एज अ न्यू कंटेस्टेंट लेकर आए और उनको साथ में रखें और उसके बाद देखें कि हाउ इट टेक्स ऑफ। लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारा देश जिस पैनेडेमिक से गुजर रहा है COVID-19 से, उसमें प्लीज सेफ्टी बना के रखे, मास्क पहने, और जो भी काम मैं आगे करूं, मैंने उसके बाद मणिकर्णिका करी, एक आध फिल्में और करी, आई हैव बीन होस्टिंग लॉट ऑफ टीवी अवार्ड्स एंड टीवी शोज एंड कॉर्पोरेट शोज, तो इसी तरीके से अगर कल को मैं कुछ नया करता हूं चाहे OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे उसी तरीके से सराहिए मेरे काम को और अपना जो भी ऑनेस्ट फीडबैक है वो दे दीजिए और इसी तरीके से प्यार करते। थैंक यू विवेक। थैंक यू, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उसका फोन टेढ़ा नहीं हो रहा था? अरे नहीं हो रहा था, उसका आईफोन था, मैंने उसको बोला इतना घुमा, पिछले वाले का भी आईफोन था ना, पता नहीं उसने कितना मिनट लिया। कितना मिनट?